नमस्कार सभी मैकेनिक भाइयों को। ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है अशोका लीलैंड इंजन पर, जो हमारी कंबाइन में आता है और जो पहले हमारी गाड़ियों में आता था। देखिए, आज हम इस गाड़ी के जो रिंग पिस्टन ओवरऑल कर रहे हैं, ये बगैर पानी के सीज हो गया था, जिस वजह से इसमें बैक कंप्रेसर हो गया था और हमने इस इंजन का जो काम किया। देखिए, हमने जो सामान मंगाया है वो बिल्कुल जेन्युइन कंपनी का है, ले पार्ट का है, और कुछ सामान हमने जो मंगाया है पैकिंग वगैरह जो वो थोड़ा अलग ब्रांड है उनका मंगाया है, बढ़िया कंपनी का मंगाया है। और मालिक ने भी ये बोला था कि जैसे भाई आप काम करोगे तो हमारा जो है सामान बिल्कुल जेन्युइन डालना, अगर घटिया सामान होगा तो हमें बता देना, दोबारा ले आएंगे। देखिए, हमने इसमें वाटर पंप, पिस्टन रिंग, स्लीव, पिस्टन और भी जो कई सामान हैं हमने वो चेंज किए थे। आए जैसे फ्रंट आयल सील चेंज की थी, टाइमिंग प्लेट ओपन करके उसके पैकिंग वगैरह बदले थे, और साइड प्लेट, पंप, ये हमने उसके लिए हैं। देखिए, ये हमारे जो रिंग है और जो ये हमारा इंजन है, ये यूरो 2 इंजन है, यानी कि BS2 इंजन है। इसमें टर्बो नहीं है, इस इंजन के अंदर टर्बो नहीं है। देखिए, ये हमारी वाटर पंप है, बिल्कुल जेन्युइन लगा रखा है, बिल्कुल जेन्युइन तो नहीं है, बढ़िया ब्रांड का है। ये हमारा ऑयल पंप है, चैम्बर है, ये ऑयल पंप हमारा बिल्कुल ओके था। हमने जो सारा सामान है जो इंजन का वो हमने साफ सफाई करके ले लिया। ये हमारा सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड हमारा बिल्कुल ओके था, और ये हमारी जो पुश रॉड वगैरह, फैन, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है। देखिए, हमारे जो सुभाष जी मिस्त्री जी हैं, जो बोरिंग वाले हैं, उन्होंने स्लीव हमारी लगा दी है और पिस्टन और सिलेंडर लाइनर के बीच का जो गैप है वो चेक कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, अगर आपने ज़रा सा भी टाइट रखा तो जो हमारा इंजन है वो गर्म होने के बाद सीज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमें ना, ये पुराने इंजन हैं, इनमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, इसलिए ब्लॉक को अच्छी तरह से साफ़ करना है, रेडिएटर भी साफ़ करवाना है और कहीं भी कोई पुराना होज पाइप नहीं लगाना है। देखिए, ये गैप जो हमारा, अब हम रिंग का गैप चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी भी पुर्जे को, किसी भी सामान को हम प्रॉपर चेकिंग के द्वारा फिट करेंगे तो वैसे तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 90% जो इंजन होंगे या कोई भी पुर्जा होगा वो अच्छी सर्विस देगा, तो इसलिए हम उसे को अच्छी तरह से चेक करके लगाएंगे। देखिए, 6 हो, जैसे 4 है तो 4 है, 6 है, 2 है, 3, कितना भी सिलेंडर है उनमें सभी में हमने अच्छी प्रकार से चेक करना है। ये देखिए, हमने जो इसका टाइमिंग प्लेट भी साइड प्लेट लगा रहे हैं, इसके अंदर जो बारीक सुराख होते हैं उनके अंदर ड्रिल वगैरह मरवानी होती है, ड्रिल करवा के उस सुराखों को खोलना होता है जिससे पानी अच्छी तरह से इंजन के अंदर घूमे। ये हमारी कूलिंग प्लेट है, साइड प्लेट बोल देते हैं, एल्युमिनियम की होती है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरी जो वीडियो है, जो मास्टर लोग हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो सीखने वाले हैं मेरे भाई, जो नए हैं इस लाइन में, उनके लिए है। देखिए, हमने जो इसका टाइमिंग प्लेट की जो गियर हैं वो लगा लिए हैं। देखिए, अब इसके एयर कंप्रेसर को लगा रहे हैं। एयर कंप्रेसर के बाद इस गाड़ी में हमारा जो है इस इंजन के अंदर हमारा पंप फिट होता है, टाइमिंग मिलाने की, यहीं से टाइमिंग मिलाना होता है। और देखिए, ये हमारा टाइमिंग डल गया है और लगा लिया अब हमने इसमें। इसमें 3 गियर 4 गियर होते हैं, एक केम का, एक आइडल गियर होता है, एक क्रैंक का और एक कंप्रेसर का। कंप्रेसर का लगा लीजिए या पंप का लगा लीजिए। देखिए, हमने टाइमिंग प्लेट लगा ली है, अब हम इसके जो पिस्टन रिंग हैं उनको डाल रहे हैं। इनको डीजल में अच्छी तरह से साफ़ करना है, नए पिस्टन हैं, इनको थोड़ा मतलब
थोड़ा कम साफ सफाई की जरूरत होती है। अगर पुराना पिस्टन लगाते हैं तो ज़्यादा सफाई साफ सफाई करनी पड़ती है। देखिए हमने ये जो पिस्टन है ये लगा लिए हैं और इनको अच्छी तरह से फ्री टाइप मतलब रिंग एंड गैप भी चेक करना और रिंग का जो ग्रू के अंदर जो गैप हो वो भी चेक करना और जो सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच में जो गैप है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें किसी भी प्रकार के कोई मिस्टेक करते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया नहीं होगा, मतलब कुछ न कुछ समस्या हो जाएगी इंजन के अंदर। देखिए रिंगों को डालने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लें और रिंग पिस्टन जो हमारा पिस्टन को फिट करते समय सिलेंडर लाइनर के अंदर हमने बड़े ध्यान से फिट करना है, कोई रिंग टूटे ना। अगर इनके मुंह एक सीध में नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। देखिए चेक करके अच्छी तरह से फिट करना है तभी हमारा जो इंजन है वो लंबी सर्विस देगा। देखिए अब इसमें पिस्टन फिट कर रहे हैं अच्छी तरह से। डीजल कुछ भारी डीजल में साफ़ करते हैं, कुछ पेट्रोल में साफ़ करते हैं, वो सब की अपनी अपनी इच्छा है, उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि किस चीज़ में साफ़ करना। साफ़ करो पर अच्छी तरह से करो, जो आपकी इच्छा हो उसी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग कंप्रेसर को टाइट करते समय में ध्यान रखना है कि हमारे जो रिंग है वो जिस साइड में हमने सेट किए हैं उसी साइड में फिट हों, नहीं तो रिंग कंप्रेसर कसते समय हम अगर लापरवाही करेंगे तो हमारे रिंग है जो वो घूम जाएंगे। रिंगों का एंड गैप मतलब जो रिंग है उन रिंगों का मुंह एक सीध में हो जाएगा। ये कैप है हमारी एक नंबर की, उसको हमने पिन से पिन मिला के लगाना है, देखिए, और प्रॉपर टॉर्क के साथ टाइट करना है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप बगैर टॉर्क के भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको टॉर्क रेंच से टाइट करना चाहिए प्रॉपर टॉर्क के साथ, ठीक है जी। किसी भी इंजन को बनाते समय कोई भी बोल्ट टाइट करते समय या नट टाइट करते समय हमने एक विशेष टॉर्क के साथ टाइट करना है। अगर आप ये प्रॉपर टॉर्क के साथ टाइट नहीं करेंगे तो या तो ज़्यादा टाइट होकर टूट जाएगा या लूज रह के वो बार दोबारा खुल जाएगा। देखिए कैप हमारी जो है वो पिन से पिन मिलानी है और इंजन हो या गियर बॉक्स हो या कुछ भी हो उसके अंदर साफ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये हम इसके टॉर्क वैसे हम कम ही इंजनों में टॉर्क रेंच का यूज करते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि कौन सा बोल्ट या नट कितना टाइट करना है। अब देखिए इंजन में जो पिस्टन फिट होने के बाद कनेक्टिंग राड और इंजन फिट होने के बाद तो हमें स्प्रे हर पिस्टन का टॉप चेक करना है, कोई नीचे तो नहीं रहता या किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कोई साइड तो नहीं मारता पिस्टन, कई प्रकार की चीज़ें चेक करनी है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। देखिए इस इंजन के अंदर स्टड होते हैं, बोल्ट नहीं होते हेड के अंदर, जो हम टाइट करने में आसानी रहती है। ये देखिए हमने जो ऑयल पंप फिट कर लिया है और जो कनेक्टिंग राड वगैरह सभी टाइट कर ली है, चेक कर लिए, अब हम इसका चैम्बर लगाने जा रहे हैं। पहले तो हमने इसका हेड रख लिया है क्योंकि हम कई बंदे हैं और कोई कुछ सामान फिट कर रहा है। देखिए पहले तो हमने इसका सिलेंडर हेड फिट कर लिया है और नीचे से चैम्बर भी फिट कर लिया है, आयल फिल्टर डीजल पंप कुछ चीज़ें हमने जो शायद बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं भी साथ में काम लग गया था इसको फिट कराने में तो इसलिए थोड़ी वीडियो मैंने थोड़ी ही नहीं बना पाया। देखिए इस इंजन में हमने अब क्रैंक की पुली, सिलेंडर हेड, डीजल पंप, चैम्बर, ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर लगा दिए। देखिए ये अशोका लीलैंड का इंजन है, कंबाइन के अंदर फिट है, ठीक है जी। ये 6 सिलेंडर इंजन है और ये हमारा ऑयल पंप ऑयल फिल्टर है।
ये ऐश टाइप के फिल्टर अब हमारी किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी में नहीं आते, कार में नहीं आते। ये देखिए हमने इसके रोकर, इंजेक्टर, नोजल और वापसी पाइप वगैरह जो है इसमें अच्छी तरह से लगाए हैं। ये वापसी पाइप है जो हमारी, इसको विशेष प्रकार से ध्यान देना है। इंजन को स्टार्ट करने के बाद ही हमने टेपर्ड कवर को लगाना है, कहीं से डीजल लीक होके इंजन ऑयल के अंदर ना चला जाए, ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इंजन स्टार्ट होने के बाद चेक करनी है, और कुछ चीज़ें हैं जो पहले चेक करनी है। अगर आपको पूरा भरोसा है अपने काम पर तो आप ऐसे भी फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमने इसकी इंजेक्टर वगैरह हमने सब लगा दिए हैं। देखिए अब हमने इसका जो अल्टरनेटर भी फिट कर लिया है, वाटर पंप भी फिट कर लिया है। वाटर पंप के अंदर जो रबड़ रिंग होते हैं उनको बड़े ध्यान से फिट करना है, वो लीकेज रह जाते हैं, हमें कई बार दोबारा सारा सामान फिट खोलना पड़ता है। देखिए हमने गाइड प्लेट और शेल्फ जो है, नोजल की पाइपें, वाटर पंप सभी लगा लिए हैं, और हमने टैपेट पे एडजस्ट करने हैं। ये कंबाइन का इंजन है, हमें एक ही दिन में तैयार करके देना था, सुबह से शाम तक हमने और कुछ काम नहीं किया, उस दिन हमने यही काम किया बस, इस इंजन को तैयार करना था। देखिए डीजल फिल्टर लगा दिए हैं, फैन भी लगा दिया है, और जो ये हमारा सीजन का टाइम था, जिस टाइम गेहूं हमारे यहाँ गेहूं कटते हैं, गेहूं को काटने के लिए ये कंबाइन आई थी पंजाब से। हमारे यहाँ बहुत से आदमी ऐसे हैं जो पंजाब से हरियाणा के अंदर गेहूं काटने के लिए आते हैं, तो ये उनकी गाड़ी थी और ख़राब हो गई थी। देखिए टैपट एडजस्ट कर रहे हैं, टैपट को एडजस्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि कोई लूज ना रहे और कोई टाइट ना हो, ठीक है जी। इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों को अलग अलग गेज के साथ मिलाना है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो हमारा एयर वाला जो है वो थोड़ा ठंडा चलता है, और जो एग्जॉस्ट वाला है वो थोड़ा गर्म होता है। सभी नट बोल्टों को अपने हिसाब से चेक कीजिए, इसमें कुछ कोई लूज रह गया तो तब भी दिक्कत होगी, अगर कोई टाइट होगा तब भी दिक्कत होगी। देखिए लगभग हमारा जो इंजन है वो कंप्लीट हो गया है, और हमें इसको कंबाइन के ऊपर फिट करने के लिए लगभग तैयार है। हाइड्रा बुलाकर हमें इसके ऊपर रखना पड़ेगा। देखिए हमने टैपेट कवर भी साफ कर लिया है और अभी लगाने वाले हैं, ठीक है जी। हमारा इंजन है जो वो लगभग कंप्लीट हो गया है, सभी रोकरों को अच्छी तरह से चेक करना है, ठीक है जी। किसी भी प्रकार का ये कोई पुराने इंजन है, इनमें कोई अगर नट बोल्ट फ्री हो जाता है तो उसे अच्छी तरह से चूड़िए वगैरह कटवा के दूसरा बदल के उसे टाइट करना है पूरा, क्योंकि बंदे ने 50 साल इस कंबाइन के अंदर हमने फिट करना है। इस बंदे ने 50 हज़ार के लगभग इसमें लगाए हैं, अगर हम किसी प्रकार के अपने काम में लापरवाही करेंगे तो काम सक्सेस नहीं होगा। ये देखिए हमने जो इंजन है कंप्लीट पूरा फिट कर लिया है, रेडिएटर वगैरह फिट कर दिया। देखिए ये सरदार जी हैं, इनकी कंबाइन थी जिसका इंजन खराब हो गया, और बिल्कुल साफ सफाई के साथ हमने काम किया है। जो ये बंदे थे कंबाइन वाले, इन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया काम के अंदर। हमारा इंजन की जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।